नमस्कार, ये तस्वीरें आपको नेशनल हाईवे की दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैथल के विधायक लीलाराम का किस तरह से गर्म जोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। उनके साथ मैं आपको बता दूं कि राम प्रताप गुप्ता समेत तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं और जिला अध्यक्ष मुनीश कुटवाड़ भी यहाँ पहुंचे हैं। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि गर्म जोशी से यहाँ स्वागत किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसके बाद विधायक जी यहाँ से गाँव कटवाड़ में जाएंगे, जहाँ बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से विधायक लीलाराम का यहाँ गर्म जोशी से, और काफी लंबा मैं आपको बता दूं कि बाइकों का काफिला है और कंबाइन भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंबाइन भी यहां विधायक के स्वागत के लिए खड़ी है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर और बाइकों का काफी लंबा ये काफिला है जो यहां से विधायक जी को लेकर गांव कठवाड़ में पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है कि किस तरह से गर्म जोशी से विधायक लीलाराम का स्वागत किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब जो विधायक जी और जो जिला अध्यक्ष मुनीश कठवाड़ समेत तमाम जो भाजपा के नेता है वो कंबाइन पर सवार होंगे और इसके बाद यहाँ से चलेंगे। कठवाड़ वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी पूरी टीम को अपने गांव की कंबाइन से, ट्रैक्टरों से, कार जीपों के काफले से, बाइक के काफले से गांव में लेकर के आए और सभी को पगड़ियां पहना करके फूल मालाएं से लाद करके जो मान सम्मान किया उसके लिए कठवाड़ गांव के सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जहां तक राजनीतिक बात है, वो लोग आप हमारे से भी ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार, जैसे मनीष जी कह रहे थे वे बीजेपी का गांव है, सच्चाई है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं। जब मैं पहले चुनाव लड़ रहा था और जैसे कहते हैं कि किश्ती पानी में कभी डूब रही थी कभी निकल रही थी, जब गांव कठवाड़ और जब धोस की बारी आई, आम जो गुजर समाज के लोग थे जिन्होंने चुनाव में भाई राजपाल जी गांव का काम देखा था, कठवाड़ का, धोस का, सांपली खेड़ी का, उनका तो ये 100% विश्वास हो गया था कि भाई अब तो लीलाराम जीत जाएगा। परंतु हमारे जैसे जो पार्टी के प्रत्याशी कह ले या काम करने वाले थे ना, लास्ट तक भी ये था, परमात्मा को याद करे थे भाई पता नहीं क्या होगा राम प्रताप जी। और जब गांव के मत पेटियां खुली और उन्होंने साबित कर दिया कि जो अंदाजे लगाए जा रहे थे वो सच साबित हुए और सारी पिछली जो कमी थी उनको पूरा करते हुए आपके बीच के छोटे से प्रत्याशी को आपने 1250 वोट से जितवा करके चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम किया। साथियों, पिछले 10 साल में हरियाणा में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से काम किए देश में। आज केंद्र में तीसरी बार 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने वोट डाल के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। ठीक इसी प्रकार आप 5 अक्टूबर को सारे मीडिया का नजर आपके ऊपर है, सारे बड़े बड़े अखबारों की नजर आपके ऊपर है और हर मीडिया का साथी, हर अखबार, टीवी चैनल, ये फेसबुक, व्हाट्सएप वाले ये कहते हैं कि हरियाणा में भी केंद्र की तर्ज पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। साथियों, आपके बीच में कांग्रेस वाले आएंगे, बरगलाने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने केंद्र के चुनाव में भी कहा कि अगर बीजेपी मेजोरिटी से आ गई ये संविधान को खत्म कर देगी। उससे आगे बढ़ करके कहा अगर बीजेपी आ गई तो साथियों जो आरक्षण है उसको खत्म कर देंगी और इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को सामने आकर के कहना पड़ा कि जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा है संविधान की तरफ कोई अंगड़ी उठा करके नहीं दे सकता, जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा है आरक्षण से कोई माई का लाल छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लोगों का विश्वास हुआ और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए कहना चाहूंगा कि 10 साल पहले का माहौल देखें, देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, अराजकता का माहौल था, हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनती थी, घपले घोटाले होते थे, 1,80,000 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, हर रोज घोटाले होते थे, लोग सोचते थे अब इस देश का क्या होगा। साथियों, पिछले 10 साल से
जनता देश के लोग देख रहे हैं कि एक भी किसी प्रकार का घपला घोटाला देश में नहीं हुआ। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार की नीतियां बनाई कि जब वो दिल्ली से एक बटन दबाते हैं 14 करोड़ किसानों के खाते में 3,000 रुपए जमा हो जाते हैं। मोदी जी ने सर्वे करवाया हमारी बहन बेटियों के पास किसके पास गैस सिलेंडर चूल्हा नहीं, 8.5 करोड़ बहन बेटियों को गैस सिलेंडर चूल्हे देने का काम मोदी जी ने किया। और अब भी मोदी जी ने नरेंद्र भाई नायब सैनी को आदेश दिया है, भाई सुरेश गर्ग जी ने मेरे से पहले बताया भी कि आप 5 अक्टूबर को हरियाणा के लोग वोट डालेंगे, 8 को गिनती होगी। और नायब जी जब आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे ना, तब ने हरियाणा प्रदेश की हमारी बहन बेटियां घर की बहू जो 21 साल पूरे कर लेगी 22वें साल में लगेगी, उसके खाते में सरकार 2100 रुपए देने का काम करेगी। कांग्रेस वाले आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बकवास झूठ बोलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, करने को कुछ है नहीं और कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। परंतु मैं सुरजेवाला जी को उनको कहना चाहूँगा कि सुरजेवाला जी लोग आपकी जुलम ज्यादतियों को भूलने नहीं है। साथियों आपने हमने उनको 3 बार जितवाया, उसके पिताजी को चुनाव जितवाने का काम किया और उसके बाद भी 1 बार आपने हरा दिया। फिर पता क्या कहता स्त्री रैली में जलसे में, कहते वाले तुम राक्षस हो, अंगड़ी भी ऐसे निकाल रहे, कहते वाले तुम राक्षस हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। भाई श्राप देना ददीचे ऋषि है तू, तने बहुत तपस्या कर रखी है, तेरे बाप ने ठगी करी, तने ठगी ठोरी करी, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। और इसका बेटा कहता है जो आदित्य सूर्यवाला जी चुनाव लड़ रहा है, वो आगे आकर के कहता है मैं अपने दादा वाले नक्शे कदम पर चल के काम करूंगा। हम उस बेटे को कहना चाहेंगे बेटा जी तेरे दादा वाले काम ना करिए, तेरे दादा वाले काम तो कैथे जिला ने देख रखे हैं। और साथियों मैं तो उसके बारे में एक बात कह दूं, ये कोई शहर है छोटा है बड़ा, आजकल लोग दुखी हैं अमेरिकन सांडों से, ये काले काले सांड फिरा ना, सुरजेवाला यू भी अमेरिकन है, अमेरिका से आया है, भाई पहले से निजात नहीं पाई अपन, इससे निजात पाने का एक ही तरीका है, जिस तरह अपने बच्चे है ना चौमासे में कोई आम की गुठली जाम जाए, कोई नीम की जाम जाए, कोई अलग अलग पौधे जाम जाते हैं, बच्चे उसको उखाड़ करके कहते हैं राजपाल के हमने राम को जड़ दिखा दी। 5 तारीख ने इस आदित्य सुरजेवाला जी जड़ पाड़ कर राम ने दिखा दिए,8 के बाद दे लिया, और ये वादा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके जो काम को याद अधूरे रह गया उनको पूरा करने का काम करेंगे। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।